આજે આપણે બનાવીશું ભાવનગરી ગઠિયા સેવ. જી હા, ગુજરાત સ્પેશિયલ ગઠિયા સેવ આજ હમ બનાયેંગે ઇતને મુલાયમ કે ઓઠો સે ભી ખા સકે. સો હે ફ્રેન્ડ્સ, મેં હું અર્ચના ઓર સ્વાગત હૈ આપકા મેરે ચેનલ ક્વીન ઓફ કિચન મેં. દિવાળી કે લિયે કઈ સારી સ્વીટ્સ હમ બનાતે હૈ, લેકિન સ્વીટ્સ કે સાથ અગર નમકીન ના હો તો સ્વીટ ખાને કા થોડા મજા કમ હો જાતા હૈ. तो चलिए आज हम बनाते हैं गठिया सेव की रेसिपी. बनाने में एकदम आसान है, परफेक्ट वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं. तो अब की बार आप गठिया सेव को बाजार से या स्वीट मार्ट से लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान और एकदम परफेक्ट रेसिपी आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे. तो चलिए देखते हैं इसे हमें किस तरह से तैयार करना है. सो देखिए, गठिया सेव बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके मेजरमेंट की, मतलब सही मेजरमेंट में अगर हम सभी चीज़ों को लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं. तो इसलिए यहाँ पर हमने लिया है बेसन. तो 250 ग्राम मैंने बेसन लिया है. और देखिए, यहाँ पर मैं कोई कटोरी से आपको इसके मेजरमेंट नहीं बताऊंगी, क्योंकि कटोरी की जो साइज़ होती है ना, कम ज़्यादा होती है. तो इस तरह से ग्राम में अगर हम नाप तोल कर लेते हैं तो परफेक्ट मेजरमेंट में कोई भी चीज़ आपकी बनकर तैयार हो जाती है. तो आज मैंने यहाँ पर ग्राम के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ. 250 ग्राम हमने बेसन लिया है. बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम बेसन को छान लेते हैं. दोस्तों, अक्सर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, उस वजह से काफ़ी सारे बीच में जो टिप्स और ट्रिक्स होते हैं उनको मिस कर देते हैं, फिर आपकी रेसिपी जो है परफेक्ट नहीं बनती है. तो आपको शिकायत रहती है कि रेसिपी हमारी बिगड़ गई, तो इसे बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखिए. सो देखिए, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें निकाल देते हैं, और इस तरह से बेसन को छानने से वो हल्का भी हो जाएगा. तो अब हमें इसमें ऐड करनी है काली मिर्च के पाउडर. इसे ज़रूर ऐड करिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और परफेक्ट वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि हलवाई लोग इसे बनाते हैं. नेक्स्ट, मैंने एक टीस्पून भर के इसमें अजवाइन भी डाल दी है. और अब हमें इसमें ऐड करना है स्वाद के अनुसार नमक. तो लगभग एक टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे. नेक्स्ट, सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट इसमें एक ऐसा डलता है जो कि हलवाई लोग यूज़ करते हैं, उसी के वजह से ये जो सेव है ना बहुत ही मुलायम और खस्ता बनते हैं. तो आगे आपको दिखाऊंगी. तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी बाउल लेनी है, मिक्सी जार लेना है, और इसमें ऐड करना है ऑयल. 250 ग्राम हमने बेसन लिया था, तो इसके लिए हमें 100 ग्राम यहाँ पर ऑयल ऐड करना है मिक्सी के जार में. जितना ऑयल है उतना ही पानी ऐड करेंगे, मतलब 100 ml ऑयल के लिए 100 ml पानी. अब इसमें वो वाली सीक्रेट चीज़ जाएगी जिसके हमारे ये जो सेव है ना बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बनते हैं. तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon पापड़ खार. ये जो पापड़ खार है ना, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगा, और इसे ही हमें ऐड करना है. अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो इंस्टेंट इसके आपको क्या यूज़ करना है ये भी आगे बताऊंगी, लेकिन पहले हमें इसे ब्लेंड करना है. तो इस मिश्रण को अच्छा सा फ्रॉदी होने तक ब्लेंड कर लेंगे. बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से फ्रॉदी हो जाएगा. अब इस नमकीन को परफेक्ट बनाने वाला लिक्विड तैयार कर लिया है. तो ये जो बेसन में हमने कुछ चीज़ें डालकर रखी थी इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे, और अब हमें इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसका एक डो प्रिपेयर करना है. इस लिक्विड के अलावा दूसरा पानी ऐड नहीं करेंगे. पहले तो इसी लिक्विड के साथ हमें इस डो को प्रिपेयर करना है. और देखिए, बिल्कुल परफेक्ट आटा लग गया है. बट अभी रुकिए, ये जो आटा है ना गठिया सेव बनाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसे इस तरह से तोड़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से टूट रहा है, इसमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है. तो अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है. अब ये जो लोट हमने बनाया है ना, इसमें हमें 1/4 cup पानी लेना है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे खूब मसलना है. जब हम इतना वर्क इसके ऊपर करेंगे तब ये लायक हो जाएगा गठिया सेव परफेक्ट बनाने के लिए. अब आप सोचेंगे कि हमें फिर से इसमें पानी लगाकर इसे पतला करना ही था, तो पहले ही पानी क्यों नहीं डाला है. लेकिन यही इसकी ट्रिक होती है. पहले जो हम लिक्विड तैयार करते हैं उसी के साथ इस आटे को लगाया जाता है, बाद में हलवाई लोग पानी डाल डाल कर इस तरह से इसे बिल्कुल लचीला, चिकना और पतला कर लेते हैं. अब देखिए, अगर आपके पास ये जो
पापड़ खार है ये नहीं है, तो पापड़ खार के जगह पर आप बेकिंग सोडा जो होता है कुकिंग में यूज़ होने वाला उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जितना हो सके पापड़ खार का ही इसमें यूज़ करिए। चलिए ऑयल से हाथ लगाकर अब इसे इस तरह से चिकना कर लेंगे और हाथों से उठाने के बाद देखिए इस तरह से लचीला ये हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितनी पतली की है मैंने। बस अब हमारा ये जो डो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप जानते हैं कि इस तरह के कोई भी स्नैक्स नमकीन्स बनाने के लिए किसी ना किसी गैजेट का यूज़ होता है, तो इस तरह का जो गैजेट हर किसी के घर में अवेलेबल होता है उसमें गठिया सेव की इस तरह की प्लेट आती है जिसमें बड़े बड़े 3 छेद होते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है हलवाई वाला इस तरह का झारा जो स्पेशली गठिया सेव बनाने के लिए यूज़ होता है। देखिए इस झारे के जो छेद होते हैं तो नीचे की साइड है ना ऊपर उठी हुई रहती हैं, इसी के वजह से इससे जो सेव गिरेंगे परफेक्ट शेप में गिरते हैं। और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है दोस्तों। इस तरह से कढ़ाई के ऊपर इसे रख दीजिए और ये जो कोने आप मतलब इसके जो कान निकले हुए हैं ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कढ़ाई पर सेट हो जाते हैं, तो कढ़ाई नीचे गिरने का डर भी नहीं रहता है। चलिए अब हमें क्या करना है, इस झारे को ऑयल लगाकर थोड़ा सा ग्रीस करना है ताकि जो लोट हम इसके ऊपर रखेंगे तो उसे आगे सरकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और जो लोट है इस पर चिपकेगा भी नहीं। ऑयल का हाथ लेकर हमें इस लोट का थोड़ा सा हिस्सा उठाकर इस झारे के ऊपर रखना है और बस। अब ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हाथों को ऑयल और पानी दोनों मैंने लगा लिए हैं देखिए, और बस अब थोड़ा सा चेक करेंगे ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, एकदम ज़्यादा गर्म हमें ऑयल नहीं करना है, बस अच्छा सा खासा गर्म हो जाए तब हम लोट को इस तरह से हथेली का यूज़ करके आगे खिसकाते जाएंगे। जब हम आटे को हथेली की मदद से इस तरह से आगे खिसकाते हैं तो देखिए लंबे लंबे सेव जो है नीचे कढ़ाई में आ जाते हैं। अब देखिए पहली बैच जो है ना बिल्कुल थोड़े से ही सेव निकालिए ताकि आपको ऑयल के टेम्परेचर का थोड़ा सा आइडिया आ जाए, और इन्हें है ना बहुत ज़्यादा लाल नहीं फ्राई करना है, वैसे इन्हें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, फटाफट फ्राई हो जाते हैं। बट हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, फ्लेम बिल्कुल हाई पर नहीं रखनी है, और इस तरह से लाइट कलर पर फ्राई हो जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं हलवाई के झारे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो सेव है ना आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो पूरे अच्छे से डिज़ाइन बनी हुई है, नक्शी बनी हुई है, तो ये झारे की वजह से बनती है। ऐसे हम जब नॉर्मल अपने किचन के गैजेट से बनाते हैं तो इस तरह से परफेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन टेस्ट के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, टेस्ट वैसे ही आएगा, बस दिखने में वो थोड़ी सी अलग लगेगी। तो जितना हो सके अगर आपके पास है तो इस तरह के झारे का यूज करिए, नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगाया है। तो आप चाहे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, 300-350 रुपए के अंदर आपको ये जो हलवाई वाला झारा है भावनगरी गाठिया सेव बनाने का इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर से एक बैच में आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाती हूँ। तो बस हथेली का ही सारा खेल है, झारे के ऊपर इसे इस तरह से रख दीजिए और इसे हल्के हल्के हाथों से आगे प्रेस करते जाना है। अब आप इसके लिए थोड़ी बड़ी कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो गठिया सेव है इन्हें बनाना है तो। और लीजिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, लाल भी नहीं होने देना है ताकि ये जो सेव हैं दिखने में भी अच्छे लगे और कड़क भी ना हो। गठिया सेव की इस नमकीन को एक बार बनाकर आप हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग इसे खा पाएंगे, इतने मुलायम बनते हैं कि होठों से भी इसे चबाया जाए। तो पूरे गठिया सेव हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब इसे ठंडा करेंगे, देन हम इसे किसी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी, देखिए कितने खस्ता है, एकदम मुलायम एकदम सॉफ्ट। तो लीजिए यहाँ पर हमारे गुजरात स्पेशल भावनगरी गठिया सेव खाने के लिए बिल्कुल तैयार है ना, एकदम बनाने के लिए आसान रेसिपी। बहुत ही ज्यादा खस्ता बनी है,
मुंह में जाते ही घुलने वाली। और मैं ऐसी ही रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ जो घर में हर कोई खा सके, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो, बुजुर्ग हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, वो लोग भी इसे आराम से खाएंगे। ऐसे ही मैंने शक्करपारे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। देन मैंने मैसूर पाक की जो रेसिपी शेयर की है वो भी इसी तरह से एकदम खस्ता है। उन रेसिपीज को भी जरूर देखिए। होप कि दोस्तों आज की रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो इस दिवाली इसे जरूर ट्राई करिए। रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।